धोखा करके पैसे कमाने को लोग नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में स्थित कैनरा बैंक से सामने आया है, जहां पर खुले खाते में लोगों से धोखा करके पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। जहां पर शाखा प्रबंधन का कहना है कि उसके पास इंदौर से कॉल आई कि शाखा में खुले खाते में धोखा करके रकम डलवाई गई है, जिसको एटीएम और नेट बैंकिंग के माध्यम से निकाल भी लिया गया है। जब हमने उस खाते की जांच की तो उसमें 100 से भी अधिक ट्रांजेक्शन हुए थे, जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। खाते में ट्रांजेक्शन संदिग्ध प्रतीत होने पर हमने खाताधारक को शाखा में बुलाया। जब खाताधारक सत्यवान अपने दोस्त विकास शर्मा के साथ वहां आया और जब हमने उससे पूछताछ की तो कुछ संदिग्ध लगने पर हमने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर उन्हें कोतवाली ले आई और पूछताछ करने लगी। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं कैनरा बैंक में प्रबंधक हूँ। एक्चुअली आज मेरे पास एक कॉल आया था इंदौर से, एक सज्जन का, राजेश जी थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास कुछ फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुए हैं। लाइक दैट उनके पास ऐसा बोल रहे थे कि इनकम टैक्स से हम बोल रहे हैं आप कुछ अमाउंट इसमें जमा कर दीजिए, और कुछ भी उनको ऐसे मिसकम्युनिकेट किया गया कि उन्होंने अकाउंट बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए, एक बार 49,000 रुपये और एक बार 36,000 रुपये। फिर एक दो लोगों की और कॉल आए थे, फिर मैंने राजेश जी को फ़ोन किया, मैंने कहा एटलीस्ट आपने जो फ़ोन पर बोला है आप हमें एक बार मेल कर दीजिए ताकि हम उस अकाउंट को ब्लॉक कर दें, ठीक है। उसके बाद हमने उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और उसमें ट्रांजेक्शन देखे, उस अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए थे। फिर हमें थोड़ा डाउट हुआ कि ये कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद उस अकाउंट की हमने बारीकी से जानकारी ली, जिसमें हमने देखा उसकी नेट बैंकिंग से एक्चुअली जो भी पैसा हो रहा था वो या तो एटीएम से विड्रॉल हो रहा था या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू विड्रॉल हो रहा था। फिर हमने और भी चीज़ें देखी, उसने एक्चुअली हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करवाया था 26 फरवरी 2019 को, ठीक है। उसके बाद उसने एटीएम लिया हुआ है, सही कस्टमर ने एटीएम लिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन नेट बैंकिंग एक्चुअली हमारे बैंक में फैसिलिटी है, अगर आपके पास एटीएम है तो आप खुद नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसने नेट बैंकिंग क्रिएट की हुई जिसमें उसने ईमेल आईडी डाली हुई, वो ईमेल आईडी का डोमेन ही अलग है, डोमेन उसमें था netbanking.com, जनरली लोग जीमेल या फिर yahoo.com यूज़ करते हैं, उसने netbanking.com डोमेन यूज़ किया, जो मुझे लगता है कि उसने खुद परचेज किया हुआ है केवल इसी काम को करने के लिए, फ्रॉड एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर हमने उस कस्टमर को बुलाया था जिसका नाम सत्यवान है, जिसका अकाउंट है। फिर वो अपने एक फ्रेंड के साथ हमारे पास आया, जिसने बोला था कि मैंने अपने भाई को एटीएम दिया हुआ था। फिर हम उससे काफ़ी बात की, पहले तो वो हमें मिसगाइड कर रहा था कि हमारा एटीएम खो गया, लाइक दैट। उसका फ्रेंड बोल रहा था कि वो बंधन चोरी करके ले गया, जैसे लाइक दैट। फिर हमने उसे जब काफ़ी टाइट करके बात किया तो उसने बताया कि ये उसने अपना एटीएम अपने फ्रेंड को दे दिया था, जिसका नाम विनय है, करेक्ट। जब हमने विनय से अलग ले जाके बात की तो उसने बताया कि हाँ ऐसा है, उसने किसी और को दे दिया जिसका नाम फिरोज है और वो चंडीगढ़ में रहता है, ठीक है, और पर ट्रांजेक्शन के उसे 4,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो आज क्या है, उस अकाउंट में मेरे ख्याल से कम से कम 100 ट्रांजेक्शन हुए हैं जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हैं। उसके बाद हमने अपने आर ओ को इन्फॉर्म किया इस बारे में कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसी एक अकाउंट में गतिविधि हुई है, और हमने कोतवाल में भी संपर्क किया SSI धीरन जी से, ठीक है। उसके बाद हम कोतवाली भी गए, वहाँ पे तहरीर दी और उन लोगों को वहाँ पे कोतवाली में हाजिर कर दिया, ठीक है।